और एक बड़ी खबर इस वक्त की। आज काराकाट से लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पवन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पवन सिंह के नामांकन के दौरान सासाराम जिला मुख्यालय में उनके समर्थक और प्रशंसकों की भी भारी भीड़ देखने को मिली। और ये तस्वीरें इस वक्त की जब पवन सिंह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, लेकिन किसी पार्टी से नहीं, बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और आज सासाराम कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं भारी संख्या में यहां उनके समर्थक पहुंचे हैं। पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने से वहां की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। यहां एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में हैं, तो महागठबंधन से राजा राम कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये कलेक्ट्रेट की बाहर की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं पवन सिंह के समर्थन में। और ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पवन सिंह का मानना है कि लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और यही वजह है कि उनको बीजेपी की तरफ से यह कहा भी गया था कि वो चुनाव न लड़ें, बावजूद इसके वो निर्दलीय यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं। और अब 4 तारीख को देखना होगा, 4 जून को देखना होगा कि पवन सिंह को कितना काराकाट से समर्थन मिलता है। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, सासाराम, न्यूज 18 इंडिया। इधर सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी घमासान लगातार जारी है और इस बीच दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। बीजेपी का आरोप है कि सैम पित्रोदा ने नस्लभेदी टिप्पणी की। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय दफ्तर की तरह जा रहे हैं। एक प्रोटेस्ट यहां पर किया जा रहा है, जिस तरह की नस्लभेदी टिप्पणी कांग्रेस कार्यकर्ताओं कांग्रेस नेताओं की तरफ से की गई है। सैम पित्रोदा ने एक दिन पहले जिस तरह की नस्लभेदी टिप्पणी करी थी, उसके बाद से लगातार ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर मुखर हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर जो बैरिकेड्स दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं उसके ऊपर चढ़ गए हैं। दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस है और दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर अनाउंस के जरिए ये भी बता रही है कि लोग हट जाएं, क्योंकि पीछे यहाँ पर ना रहें, क्योंकि यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं है। कि रंगभेदी जो टिप्पणी यहाँ पर की गई थी उस पर कांग्रेस नेताओं को शर्म करो, इस तरह के यहाँ पर हाथ में पैम्पलेट लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और आप तस्वीरों में देखेंगे दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों को, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर ऊपर चढ़े हुए हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है कि यहाँ पर से आगे वो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को दूसरी तरफ यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि वो जो कार्यकर्ता है उनको कांग्रेस मुख्यालय दफ्तर की तरफ ना जाने दें। सभी ने एक ही मांग की कि जिस तरह का बयान, जिस तरह का नस्लभेदी टिप्पणी जिस तरह से सैम पित्रोदा ने की, कांग्रेस नेताओं ने की, उस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। कैमरामैन अनिल सूद के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।